हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेल साइकिल की। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर आई है सेल और सेल आपको ग्रीट कर रही है, बोल रही है हाय हेलो, और कह रही है आई एम दी सेल। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, फिर कह रही है कि क्या आपको पता है कि मैं आपके जीवन का आधार हूँ, आपकी शुरुआत मेरे ही जैसे सेल से हुई है, यानी कि मुझसे ही हुई है। तो आपने सोचा ऐसे कैसे, तो फिर सेल ने कहा आई एम दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। मैं जो हूँ वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिविंग यूनिट हूँ जीवन का, और आप जीवन है, आप एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें लाइफ है। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ऐसा कैसे, तो सेल ने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पर मौजूद है वो चाहे मल्टी सेलुलर हो और सिंगल सेलुलर हो, तो ऑब्वियसली तो भैया वो तो वो है ही है, सिंगल सेलुलर तो खुद में एक अकेली सेल है ही है, तो वो तो हुआ ही। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की यदि हम बात करें तो हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले अपने जीवन की शुरुआत में बहुत ही इनिशियल स्टेज में एक सिंगल सेल था, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत हुई है वो एक सिंगल सेल से हुई है, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो। तो ऐसा कैसे होता है, देखो एक एग सेल होती है, ठीक है, जो हैप्लॉइड होती है, दूसरा स्पर्म सेल होती है, ठीक है, वह भी हैप्लॉइड होती है। एग सेल होती है फीमेल गैमेट और स्पर्म सेल होते हैं मेल गैमेट। जब इनका फ्यूजन होता है तो इनके फ्यूजन से एक डिप्लॉइड सेल बनती है, क्योंकि n प्लस n इज इक्वल टू 2n, एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ये क्या है, ये एक सिंगल सेल है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आप ऐसे कैसे बन गए, आप मल्टी सेलुलर कैसे बन गए, ठीक है। तो उसका आंसर है सेल डिवीजन, ठीक है, उसका आंसर है सेल डिवीजन। सेल के अंदर डिवीजन हुआ, यानी कि जो एक सेल थी यानी कि जाइगोट थी, इसके अंदर डिवीजन हुआ और इससे दो सेल्स बनी, ठीक है। ये दोनों सेल डिवाइड हुई और इन दोनों सेलों से भी दो दो सेल्स बनी, यानी कि टोटल एक सेल से दो, दो से चार और चार से 16 सेल बनी, और इस प्रकार ये इवेंट जो है वह चलता रहा। फिर क्या हुआ, बॉडी के अंदर डिफ्रेंसिएशन हुआ, तो इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखने लगा, डॉग का बच्चा डॉग जैसा दिखने लगा, कैट का बेबी कैट जैसा दिखने लगा। तो यदि हम बात करें कि ये ऐसा होता कैसे है, ठीक है, सेल है डिवाइड होती चली गई तो वो तो बंच बन जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पर एक सिंगल सेल है, ठीक है, जिसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर एक सेल थी, ठीक है, सेल में डिवीजन हुआ, ठीक है, डिवीजन होने के बाद ये सेल्स जो थी ये आपस में कोऑर्डिनेट करने लगी, ठीक है, ये सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करने लगी और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगी, तो इसको कहा गया टिश्यू, ठीक है। इसी प्रकार कुछ टिश्यूज मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगे, ठीक है, उनको कहा गया ऑर्गन। ऑर्गन का एग्जांपल हार्ट, लिवर, ठीक है, ये क्या है, ये ऑर्गन्स है, ठीक है। तो अब ये ऑर्गन्स जो थे वो आपस में कनेक्ट हुए, ठीक है, आपस में कनेक्ट होके एक फंक्शन परफॉर्म करने लगे और उसको हमने कहा ऑर्गन फंक्शन। ऑर्गन फंक्शन का एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, कार्डियक सिस्टम, ठीक है। इस प्रकार से हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा ये बॉडी बना, और ये जो ऑर्गन सिस्टम थे ये आपस में कनेक्ट किए और इनने मिलकर बनाया एक ऑर्गेनिज्म को। तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक सिंगल सेल से शुरुआत हुई, सेल में डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बनी
और उन सेल्स ने आपस में कोऑर्डिनेशन किया, कोऑर्डिनेशन के बाद वो टिश्यूज बने, टिश्यू ने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म किया और टिश्यूज के साथ कोऑर्डिनेशन किया, वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ने दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट किया, उसने बनाया ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम ने एक ऑर्गन सिस्टम ने दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट किया तब मिलके बनता है एक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यहाँ तो बात हो गई कि सेल ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो ऑर्गेनिज्म जो है उसका निर्माण क्या है, कैसे हुआ था। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जब उसके अंदर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है और उसकी जो नींव है, ठीक है, उसकी जो नींव है वो है सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन क्या है, तो बच्चों यदि हम बात करें सेल डिवीजन जो है वो सेल साइकिल, जो सेल साइकिल जो है उसका एक भाग है। सेल साइकिल क्या है, द लाइफ साइकिल ऑफ सेल। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं सेल साइकिल की, किसकी बात करते हैं, सेल साइकिल की, सेल साइकिल को हम बोल सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल साइकिल जो है ना हमारी, उसके मुख्य दो भाग हैं जिसे हम फेजेस कहते हैं। पहला फेज है इंटरफेज और दूसरा फेज है एम फेज। एम फेज को भी हम डिवीजन फेज कहते हैं, यानी कि मूल रूप से जो सेल का डिवीजन होता है वो इस भाग में होता है, ठीक है। ये वाला जो फेज है इसमें डिवीजन नहीं होता है, इस फेज को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। यहां पर तैयारियां होती हैं, क्या होती हैं, यहां पर तैयारियां होती हैं, और वो तैयारी कौन कौन सी है, देखो सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है, सेल साइज, ठीक है, इंक्रीज, सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है, एंजाइम फॉर्म होते हैं, एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, ऑर्गेनल्स यानी कि सेल के जो पार्ट हैं, ऑर्गेनल्स डबल हो जाते हैं, यानी कि उनकी कॉपीज जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एक से दो कॉपीज बन जाती हैं, जैसे कि डीएनए की कॉपीज बनती हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं ये जो हैं ये मेन इवेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इंटरफेज में। तो जो ड्यूरेशन है ना बच्चों यहाँ पे इंटरफेज की वो ज्यादा है एज कंपैरेटिवली एम फेज की, क्योंकि एम फेज जो है वह मेन इवेंट है। क्या है वो, मेन इवेंट, ठीक है, ठीक है, ये मेन इवेंट है, ठीक है। ये सोच लो, देखो समझो कि आपका एग्जाम है, ठीक है, नीट का एग्जाम है, ठीक है। तो अब आपके पास नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, यानी कि नीट के एग्जाम में बैठने के लिए 12 महीने हैं, ठीक है, 12 मंथ्स है, ठीक है। तो अभी मई में हुआ था, ठीक है, तो मई में हुआ था तो आपके पास 12 मंथ है, ठीक है, मंथ्स थे हैं। तो एग्जाम आपका केवल एक दिन है, ठीक है, वन डे, ठीक है। बाकी के 365 दिन में से 364 दिन जो हैं वो आपके काय के हैं, वो हैं आपके प्रिपरेशन के, ठीक है। और मेन इवेंट क्या है, सिर्फ एक दिन का, ठीक है, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम होना है। तो यही चीज यहाँ पर है, डिवीजन यानी कि जो डिवीजन फेज है वो सिर्फ कुछ ही समय लेता है, जबकि जो प्रिपरेशन टाइम है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कंज्यूम करता है, जो कि इंटरफेज है। तो अब बात करें यदि इंटरफेज की, तो इंटरफेज जो है उसको तीन सब फेज में डिवाइड किया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है, जिसे हम गैप वन फेज कहते हैं, इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं और इसे गैप टू फेज कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एम फेज। एम फेज को चार सब फेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
इनकी भी हम डिटेल जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो सेल डिवीजन है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है माइटोसिस, ठीक है। दूसरे प्रकार का होता है मियोसिस, ठीक है। तो ये जो माइटोसिस है इसमें क्या होता है, ये एक सेल है, ठीक है। इसमें डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है ये मदर सेल है, ये है मदर सेल, और इससे बनेंगी दो डॉटर सेल्स, ठीक है। इनका जो कंटेंट ऑफ डीएनए होगा वो सेम होगा एज अ मदर सेल, ठीक है। और जो हमारी मदर सेल है वो अपना अस्तित्व खो देगी यहाँ पर, ये डॉटर सेल से। यानी कि माइटोसिस में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगी, जबकि यहाँ पर कुछ और ही यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक सेल है जिस जो डिप्लॉयड है, ये मदर सेल है। यहाँ पे जो डिवीजन होगा, एक सेल से यहाँ पर चार सेल्स बनेंगी, ठीक है, चार डॉटर सेल्स बनेंगी, फोर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस। लेकिन जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो होगा हैप्लॉयड, ठीक है। हैप्लॉयड यानी कि डॉटर सेल के पास अपनी मदर सेल की अपेक्षा हाफ, जो क्रोमोसोम नंबर कैसे होंगे, हाफ होंगे, ठीक है। यहां पर भी माता का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, ड्यूटर सेल। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, यानी कि 23 पेयर्स। तो यहां पर अगर हम माइटोसिस की बात करें तो यहां पर सेम होगा 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर्स। लेकिन यदि हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में मदर सेल्स में तो 46 क्रोमोसोम ही होंगे और 23 पेयर्स होंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पे पेयरिंग्स हमें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो ईच डॉटर सेल है वहां पर हर डॉटर सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर्स नहीं होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और इस प्रकार का डिवीजन हमें देखने को मिलता है जर्म सेल्स में, क्योंकि जर्म सेल से बनती हैं गैमीट सेल्स, गैमीट सेल्स। और गैमीट सेल्स, मेल गैमीट सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स, और फीमेल गैमीट सेल्स को हम कहते हैं एग, एग सेल, ठीक है। और इस प्रकार का सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है सोमैटिक सेल्स में। तो बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि सेल साइकिल क्या है। ये था हमारा सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन। अब हम बारी बारी से बात करेंगे, पहले माइटोसिस की, फिर हम आएंगे मियोसिस पे। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। बस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। बाय बाय।